रखा भगवान को दे दिए परित्याग। परित्याग का मतलब यह है कि मैंने जो भी कार्य किया है भगवान के लिए ही किया है, मैंने उसको जो भी मुझको उससे आया है फल वो भगवान को अर्पण कर दिया। अब उसमें क्या है, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में चर्चा आती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमने चर्चा करी पहले कि कर्म के फल तो मिल रहा है पर मैंने उसका त्याग कर दिया है, मुझे अधिकार नहीं है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है कि मैंने जो है कर्म के फलों का परित्याग कर दिया है, तो मुझे जो है कर्म करने का अधिकार है, फ्री विल में यूज कर रहा हूं, परंतु उसके फल में मेरा कोई अधिकार नहीं है, फल को मैंने जो है वो भगवान को अर्पित कर दिया। अब यहां जो है इसको फिर दोबारा समझिएगा, बल्ले विद्याभूषण लिखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस, मतलब आप भगवान को लगातार याद कर सकें, अर्थात भगवान के प्रति समर्पित हो पाए, उससे आसान क्या है, उससे आसान है ज्ञान। ज्ञान किसका, कि आप जो है आप अपनी आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन, पीछे आत्मस्थित की बात करिए 11वें श्लोक के अंदर, अर्थात आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, वो आसान है कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। अब उस आत्मा से कि अगर आप जो है रियलाइजेशन जो है ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो तो क्या होगा कि आप जो है जैसे ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे अगली आपको ज्ञान क्या प्राप्त होगा कि परमात्मा कौन है, आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो, तो ज्ञान का लेवल आ गया। पहले आपने जो है आपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया और आत्मा का ज्ञान जो है वो दरवाजा है भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने का, डोर टू रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा। पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया फिर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, जब आपने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है तब आप उसके बाद ध्यान लगाएं किस पे, अपनी आत्मा पे, अपने जो आत्मस्थित होने की बात चल रही है आप आत्मा पे ध्यान लगाएं। यस, जैसे प्रभुपाद ने यहां लिखा ना परम ब्रह्म को सब कुछ मान लेते हैं, आम द सुप्रीम, आप आत्मा के ऊपर ध्यान लगाएं, पर अगर आप जो है उस आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आप अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आपके लिए उससे आसान काम क्या है कि आप कर्म के फलों का परित्याग करो। ये जो चर्चा हो रही है ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो ये करें, ये नहीं कर सकते हैं तो ये करें, ये नहीं कर सकते हैं तो कर्म के फलों का परित्याग करो, मतलब आप कर्म करिए निष्काम, निष्काम कर्म योग में आ जाइए। अब इसका असर क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, लास्ट ऑफ ऑल एक मिनट के अंदर कहते हैं जब आप कर्म के फलों का परित्याग कर देते हैं तो भगवान ने बताया इसके अंदर ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है, वो शांति प्राप्त कर लेता है। शांति प्राप्त करने का मतलब क्या है, शांति अशांति कब होती है, जब मन भटक रहा होता है, मन इम्प्योर होता है, कंटेमिनेटेड होता है तो शांति नहीं होती, और जब मन प्योर हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध मन वाले को शांति मिल जाएगी। तो मतलब आपने कर्म के फलों का परित्याग किया, कर्म के फलों पे अधिकार नहीं रखा, कर्म के फलों को छोड़ दिया, भगवान को अर्पित कर दिया, तो आपका जो है मन जो है वो प्योरीफाई होगा, कंटेमिनेशन खत्म हो जाएगी, विमल हो जाएगा, जब विमल हो जाएगा तो आपको शांति प्राप्त होगी, जब मन को शांति प्राप्त होगी तो मन को नियंत्रित कर पाएंगे, अर्थात अब आप जो है मेडिटेट कर पाएंगे, आप ध्यान लगा पाएंगे, जब आप प्रॉपर तरीके से ध्यान लगवा पाएंगे तो आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मैं कौन हूं, इसको बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ आप जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और जब आप जो है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे फिर आप भक्ति में आ जाएंगे, तो भक्ति योग में आ जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो भक्ति योग में आ गए, और जो भक्ति योग में आ गया वो मुझे प्राप्त कर लेगा, अल्टीमेटली ही अटेन्स मी। पर क्या बताया कि इस सारे कार्य को करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। तो इसमें सबसे सुगम क्या है,
सबसे सुगम क्या है? सुनना, श्रवण। सबसे सुगम है, सबसे सुगम मन शांति प्राप्त हो रही है, कर्म के फल होगा परित्याग। कि बिना कामना के कार्य करना, अर्थात केवल भगवान के लिए कार्य करना, अपने लिए भी कार्य करना है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है साधना करनी। साधना आसान काम नहीं है। साधना सुनने के लिए प्रभु जी बड़ी हिम्मत चाहिए। लगातार बैठे रहना, नींद ना आए, कंसंट्रेशन बनी रहे, मुझे सुनता रहूं, पर सुनने के बाद उसको जीवन में लगाना, असली सुनना वो आसान काम नहीं है। इसलिए भगवान ने बताया डिफिकल्ट स्टेप है। तो सबसे आसान काम क्या बताया? कर्म के फलों का परित्याग। अर्थात आप कर्मों को केवल मेरे लिए ही करो, उसके फल की इच्छा नहीं करो। अर्थात निष्काम कर्म योग के द्वारा अपने आप को आप मेरे से तो इसलिए जो है भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि अगर आप जो है स्टेप लेडर फैशन में चलेंगे, कर्म के फलों का परित्याग करें सबसे आसान। आपने छोड़ दिया तो मन आपका शुद्ध हो गया, मन शुद्ध होगा तो आप जो है ध्यान लगा पाएंगे मेरे पे, अर्थात निरंतर मेरा स्मरण कर पाएंगे, मन में कोई बात आएगी नहीं। अशुद्ध मन वाले के मन में तो हजारों बातें आ रही हैं, और शुद्ध मन वाले के अंदर कोई और बात आएगी नहीं। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म ज्ञान के बाद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, और फिर आप भक्ति योग अर्थात मन बुद्धि मेरे में स्थिर कर दोगे। ग्रेजुअल क्रमिक विकास है। यही जो है रूपा जी ने लिखा है कि ये लिखिए, भगवद गीता में 1846 में कहा गया है, यद प्रवृत्ति भूता नाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वे ये ना जाने कि वे परम कारण कृष्ण हैं, फिर भी वे क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। ग्रेजुअल प्रोसेस। अब मन बुद्धि को आवेशित करना बड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले क्या है कि निष्काम कर्म करें तो ऑटोमेटिकली साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाओगे। मार्ग बता दिया गया है। अब हम साधना भक्ति करें और हम जो है उसके अंदर हमारा निष्काम कर्म ना हो तो भी गाड़ी नहीं चलती। अर्थात दोनों को चलाने के लिए ये आवश्यक है कि मेरा कर्म के फलों का परित्याग भी हो जाए, और साथ साथ में जो साधना भक्ति का जो मार्ग बताया गया है जिसको अभ्यास योग कह रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चल सकूं। तो दोनों कार्य मेरे हो जाने चाहिए, और ध्यान ऑटोमेटिकली, स्मरण जो है, स्मरण करना, मनन करना, वो भगवान के ऊपर है, वो मुझे निश्चित रूप से करना चाहिए। अब भगवान ने यहां पर कहा कि आपको कर्म के फलों का परित्याग करना है। अब कैसा परित्याग है समझिएगा, इधर थोड़ी उच्च बात है, लास्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी उच्च बात बता रहे हैं। कर्म फल के अंदर स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति, उसको भी आपने त्याग दिया। फिर आपने जो है निष्काम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष, मुक्ति तो चाहिए ना। तो निष्काम कर्म करने के द्वारा आपको जो है कर्म फल के परित्याग से जो मोक्ष प्राप्त हो रहा है, आपने मोक्ष को भी त्याग दिया। आपने मोक्ष की भी इच्छा नहीं करी, भगवत धाम जाने की इच्छा भी नहीं करी। हालांकि भौतिक फल नहीं है, आध्यात्मिक फल है, परंतु आपने जो है उसकी भी इच्छा नहीं करी। कहते हैं जिसका ध्यान निश्चल हो जाता है उन्हें तो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रहती। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर पहले खंड में, पहले अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर जो है मोक्ष को लघु कारणी कहा गया। क्या है? क्लेश घनी शुभधा मोक्ष लघुता कृते सुदुर्लुभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षणी चसा। बड़ी उत्तम बात कही है कि साधन भक्ति समस्त क्लेशों को नाश करने वाली तथा समस्त शुभ मंगलों की प्रदाता है। जो हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम की बात कर रहे हैं, जो साधना भक्ति की बात कर रहे हैं, वो हमको जो है सब शुभ मंगल देती है और सारे क्लेशों को नाश करती है। जब भगवान के भाव में आ जाते हैं और भाव भक्ति में आ जाते हैं तो मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। मैं मोक्ष में नहीं चाहिए, अरे वहां भी तो सेवा करनी है, यहां भी सेवा करना है, मैं मोक्ष की कामना क्यों करूंगा? डिजायर कर रहा है
मैं उसकी इच्छा क्यों करूं। कहते इसलिए जो है जो भाव भक्ति है बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और प्रेम भक्ति जो है वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद देने वाली है और कृष्ण को वशीभूत करने वाली है। भगवान कहते हैं मुक्ति ले ले, भक्ति मत मांगियो, भक्ति मांगेगा तो मैं तेरे वश में आ जाऊंगा। भगत के वश में है भगवान, अगर तू जो है उस भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो मैं तेरे वश में आ जाऊंगा। इसीलिए भागवत के अंदर भी 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि मेरे में जिनका चित समर्पित हो चुका है, अर्थात निश्चल भाव से उनका ध्यान मुझ में लग चुका है, वे मुझे छोड़कर ब्रह्म पद, इंद्र पद, सार्वभौम पद, पाताल राज्य का आधिपत्य, अनिमादि योग की सिद्धियां और मोक्ष पद भी नहीं चाहते। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए। भगवत ध्यान में निष्ठावान पुरुष संपूर्ण इच्छाओं से रहित हो जाने के अनंतर शांति प्राप्त करता है, अर्थात मेरे नाम रूप गुण लीला धाम आदि के गुणों को ध्यान पूर्वक मेरी सेवा में परितप्त रहता है, और मेरी सेवा के सिवा उसे पुकारे सूझता ही नहीं। कर्म फल त्याग के पश्चात प्राप्त होने वाली शांति भक्तों को निश्चल ध्यान के द्वारा अनायास प्राप्त होती है। शांति प्राप्त हो रही है, निश्चल ध्यान करेंगे तब भी प्राप्त हो रही है, कर्म फल का परित्याग करेंगे तब भी प्राप्त हो रही है। और क्या कहते ज्ञानी जन जिस मोक्ष को शांति कहते हैं उस मोक्ष को वे अति तुच्छ जानकर देने पर भी ग्रहण नहीं करते, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अतः अनंतर शब्द अन्वय श्रेय के साथ भगवत सेवा का भाव समझना चाहिए कि भक्त जो है क्या मांगता है। भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करता, अर्थात वो कर्म फल जो अकर्म भी कर रहा है, अर्थात भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उसका फल तो है ना, फल क्या है मोक्ष, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष भी छोड़ देता है। एक ही फॉर्मूला है कि मालिक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 13 से लेके 20 तक मेरे पीछे दोहराए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र है करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय अर्पित मनोबुद्धि, यह मद्भक्त समे प्रिय। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र है करुण एव च, निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमी, संतुष्ट है सततम योगी, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, मय अर्मित मनो बुद्धि, मद भक्त समे प्रिय। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र है करुण एव च, निर्मम निरंकार समदुख सुख क्षमी, संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयो अर्पित मनोबुद्धि, मद भक्त समे प्रिय। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 15। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता,
जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 16। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। श्लोक संख्या 17। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 18 और 19। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 20। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। सम दुख सुख क्षमि संतुष्टा सततम योगी यदात्मा दृढ़निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्ता साम्यतया। अब यहाँ पर भगवान जो है शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का, भौतिक गुणों का नहीं, ईर्ष्या का नहीं, द्वेष का नहीं, दिव्य गुण शुद्ध भक्त के। जो शुद्ध भक्त मतलब जो कि सबसे ऊपर कैटेगरी का भक्त है, जिसने अपना मन और बुद्धि दोनों भगवान को दे दिए। भगवान ने पहले बताया ना कि क्या क्या रास्ते हैं मेरे पास आने के, भक्ति के क्या क्या रास्ते हैं, मार्ग। तो उसमें सबसे पहला मार्ग क्या बताया, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे। अगर नहीं दे सकता तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, क्योंकि जब पालन करोगे भक्ति के विधि तो बुद्धि लगेगी उसमें और मन भी लगेगा, तभी तो पालन कर सकोगे। तो मन बुद्धि चला जाएगा, पालन करते ही मन बुद्धि चला जाएगा। अगर पालन भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, प्रचार कार्य करो। तो ये तीनों भक्ति के अंदर आ जाते हैं। अगर तुम इस तरह कोई भी कार्य नहीं कर सकते तीनों में से, तो फिर निष्काम भाव से कर्म करो, देश सेवा करो, समाज सेवा करो और उपकार करो। हॉस्पिटल बनवा लिया, स्कूल बनवा लिया, वृद्धा आश्रम बनवा लिया, ये सब उपकार करो। इसमें भी तुम्हारा क्या है, कर्म फल निष्काम भाव से अपना कर्म करोगे तो अपने कर्म के फल का त्याग करोगे, उससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा और तुम कर क्या है, किस लिए कर रहे हो, किसी अच्छी चीज के लिए कर रहे हो। तुम्हारे हिसाब से मैं अच्छी चीज के लिए कर रहा हूँ, उत्तम लक्ष्य के लिए कर रहा हूँ। हालांकि तुम्हें पता नहीं उत्तम लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी वो उत्तम लक्ष्य के लिए कर रहा। और धीमे धीमे उसको समझ में आ जाएगा उत्तम लक्ष्य कृष्ण है, फिर वो कृष्ण भावना में आ जाएगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान के बाद जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान करो भगवान का। लेकिन सारी चीजें वो उसको करेगा जो भक्त नहीं है। भक्ति के अंदर पहले तीन आ जाते हैं। पहले तीन में क्या क्या है, मन बुद्धि दे दिया और भक्ति के विधि विधानों का पालन करा और तीसरा प्रचार कार्य करा। अगर तीनों में से नहीं कर सकते तो निष्काम भाव से कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते तो फिर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद फिर साधना करो, ध्यान कराओ परमात्मा का। लेकिन वो बहुत मुश्किल भगवान है। वो क्या कहा, क्लेशो अधिक तृप्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां। जो अव्यक्त में आसक्त हैं उनको बहुत अधिक क्लेश है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि वो जो चीज अव्यक्त है उसको आप कल्पना कैसे करोगे, वो कल्पना से रहित है और उसकी कल्पना करनी है, कितना मुश्किल है ध्यान लगाना। किसका ध्यान लगाओ, वो चीज सामने ही नहीं है, पता ही नहीं उसका क्या रूप है, क्या है, वो निराकार चीज है, उसका ध्यान नहीं लगा सकता देदारी। तो भगवान ने बताया ध्यान लगाने के बाद अगर कोई कर भी लेता है तो फिर भी वो शुद्ध भक्त के संग में आएगा, फिर वो भक्ति करेगा, फिर वो मेरा भक्त बन के फिर उत्तम गति को प्राप्त होगा। लेकिन उसमें ये है कि कम से कम विकर्म तो नहीं हो रहा, धीमे धीमे वो आगे बढ़ेगा लेकिन स्लो प्रोसेस में, ग्रेजुअली। और ये डायरेक्ट प्रोसेस है भक्ति के तीन पहले वाले। तो वो अब उसके लक्षण बता रहे हैं जो भक्ति करते हैं,
जो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, जिसने अपना मन और बुद्धि दोनों भगवान को दे दिए, उनके क्या लक्षण है, वो कैसे होते हैं, ये भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं, अद्वेष्टा, कि वो जो है सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं सबके प्रति क्या है, अद्वेष्टा है, मतलब कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी भी जीव से, अपने शत्रु तक से नहीं करता, क्योंकि वो क्या सोचता है, ये मेरा शत्रु जो बना है, मेरे विगत जन्म कर्मों के, मेरे विगत जन्मों के कर्मों को ऐसा फल होगा कि ये मेरा इस समय शत्रु बना, और इससे मैं विरोध या ईर्ष्या नहीं करूंगा, बल्कि सारा मैं सह लूंगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म करे होंगे और मेरे पुराने जन्म के ऐसे कर्म होंगे कि इस जन्म में ये मेरा शत्रु बन गया, ये भगवान की इच्छा है इसलिए मेरा शत्रु बना, तो मुझे इससे द्वेष नहीं करना, पहले ही उसने मन से निकाल दिया। तो दसवें अध्याय में ब्रह्मा जी भी जब कृष्ण की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि जो ये है पिछले जन्म में जो कोई भी भक्त किसी को कोई भी कोई कष्ट में पड़ता है तो वो सोचता है कि ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मुझे तो इससे भी ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कृपा करके मुझे थोड़ा कष्ट दिया, ये उसकी फीलिंग होती है। तो वो किससे द्वेष करे, वो तो इसको भगवान की कृपा मानता है, और भक्त के अंदर जरा सी भी आसक्ति रह जाती है तो भगवान दंड देते हैं, किस लिए, ये इस आसक्ति से वो चीज उसे छीन लेते हैं, हटा देते हैं, जिससे वो उससे अलग हट जाता है, और फिर धीमे धीमे उसकी आसक्ति संसार से छूटने लगती है और वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो भगवान इसीलिए दंड देते हैं, भगवान सबसे पहले कहते हैं अपने भक्त का ऐश्वर्य छीन लेता हूं, क्योंकि ऐश्वर्यशाली होगा तो उसी में लगा रहेगा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। एक ऐसी कथा आती है कि सबसे पहले एक भक्त था भगवान का, भगवान की सेवा करता था, कि भगवान को दूध पिलाने के लिए उसने एक गाय पाल ली, गाय की सेवा में लगा रहता था, भगवान ने उसकी गाय मार दी, सबसे पहले ये इसमें लगा रहता है, तो उसको कष्ट नहीं हुआ, नहीं अच्छा किया भगवान ने कर दिया, मेरा सारा समय उसमें निकल जाता था, ये देखो भाव भगवान का, नहीं तो दूसरे लोग इतनी सेवा कर रहे, एक गाय थी वो भी मार दी भगवान ने, और उसने क्या कहा, बहुत अच्छा किया भगवान ने, मेरा एक इसमें मेरा दिमाग जाता था, ये भी इससे भी पीछा छोड़ो, पूरी सेवा करूंगा ठाकुर जी की। तो इस प्रकार वो अदेष्टा होता है, और दूसरी बात वो सबका मित्र होता है, अपने शत्रु का भी मित्र होता है, शत्रु को भी वो, क्योंकि वो सबके अंदर परमात्मा देखता है, कि इसके अंदर परमात्मा विराज, उसको शत्रु दिखता ही नहीं, वो परमात्मा ही दिख रहा सबके अंदर, और करुण होता सबके लिए, सबके प्रति दयालु, किसी के कष्ट को नहीं देख सकता। फिर आता निर्ममो, निर्ममो मतलब निर्मोही, मोह नहीं होता उसको, क्योंकि वो किसी चीज के अपना नहीं समझता, हर चीज को प्रकृति का समझता, निर्ममो मतलब उसको किसी में स्वामित्व की भावना नहीं होती, ये मेरा, जो मेरी चीज होगी उसमें लगेगा ये मेरा, अगर वो खो गई, और मान लो इनका मोबाइल फोन खो जाता है तो इन्हें कष्ट होगा, मुझे नहीं होगा, मेरी कोई चीज खो जाती है तो मुझे कष्ट होगा, तुम्हें सुन लोगी लेकिन कष्ट नहीं होगा, और तुम्हारी खो जाएगी तो हम सुन लेंगे लेकिन हमें कष्ट नहीं होगा, जो तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी ममता है, तुम उसको स्वामी मानते हो अपने आप को उस चीज का, तो उसके अंदर जिसको निर्मोह होगा, निर्मम होगा, तो उसको वो अटैचमेंट नहीं है उससे, क्योंकि वो अपने स्वामित्व की भावना से परे है, वो समझता है ये पृथ्वी ये जो है भौतिक प्रकृति की चीज है, और भौतिक प्रकृति किसकी है, भगवान की, तो मेरा तो है ही नहीं, खो भी गया तो क्या है, मेरा है ही नहीं, तो इसलिए वो निर्मम होता है, निर्ममो। निहंकारा, वो अपने को शरीर ही नहीं मानता, अपने आप को सोल मानता है, तो अहंकार किसका करेगा, मिथ्या अहंकार होता है ना, कि मैं ये शरीर हूं, और ट्रू और फॉल्स युगो, ये तो फॉल्स युगो है, ट्रू युगो क्या होती है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, वो ट्रू युगो है, ईगो है, तो ट्रू ईगो में क्या होता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, दास हूं, वो भक्त बनेगा, और जिसमें फॉल्स युगो होती है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, वो फॉल्स युगो है, तो वो अपने आप को शरीर जब मानता है, शरीर की उपाधि को क्या मानेगा, इसलिए वो निहंकारा होता। फिर सुख दुख में संभाव, जो अज्ञानी होता है उसमें क्या होता है, सुख में आसक्ति होती है, सुख की प्राप्ति में बड़ा सुखी, बड़ा प्रसन्न होता है,
और दुख की प्राप्ति में कोई चीज उसकी नुकसान हो जाए या उसको ना मिले तो बड़ा दुखी होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अपने आप को शरीर ही नहीं मानना, सुख और दुख कुछ भी मिले उसके लिए सब बराबर है, सम है, सम दुख सुख क्षमी। और क्षमी का मतलब क्या है, क्षमावान होता है, मतलब कोई अपराध करता है उसको तो उसको दंड नहीं देता, क्षमा कर देता। क्षमा का मतलब आप ये भी समझिए, ये नहीं कि इन्होंने मार दिया इसको, ये तो लेडी है और इनको मार सकती है, नहीं ठीक है भगवान देखेगा तुझे, मैंने तो नहीं मारा, मैं तो नहीं मार सकती तेरे को, लेकिन तुम्हें भगवान देखेगा या कोई और तुम्हें दंड मिलेगा। क्षमावान का मतलब ये है उसके मन में भी ना आए कि मैं तो इसको समर्थ होते हुए भी उसको दंड ना दे, और ना उसके मन में ऐसी बात आए, विचार भी ना आए कि भगवान इसको दंड दे, ये विचार भी, वो क्षमावान है। खाली ये नहीं, ये खाली नहीं तो लोग अगला अक्सर कहते हैं ठीक है तुम्हें हम तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तुम्हें भगवान तो देख रहा है ना, वो तुम्हें दंड देगा, नहीं। क्षमावान वो है जिसके अंदर ये विचार भी ना आए कि मैं भगवान या कोई और समर्थ पुरुष तुम्हें दंड देगा, ऐसा विचार भी ना है, वो क्षमावान है। और अपने अंदर सामर्थ होते हुए भी उसको दंड नहीं दे रहा, उसको वो मार सकता है लेकिन फिर भी उसने उसको क्षमा कर दिया, वो क्षमावान है, वो उसके अपराधों को सह लेता है। संतुष्टा, संतुष्टा का मतलब ये है भगवान की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट है, वो प्रश्न नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे और पैसा चाहिए, और प्रयत्न करूंगा तो मुझे और मिलेगा, तो वो जो मिल जाए अपने बिना मेहनत के उसमें संतुष्ट रहता, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो जाए। किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। सततम योगी, सततम योगी का मतलब यह निरंतर भक्ति में रत रहता है, हर समय भगवान, सततम भगवान के साथ युक्त, हर समय भगवान की भक्ति करता रहता। यह आत्मा का मतलब क्या है, आत्म संयमी, जिसने अपना मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इसलिए वो मन और इंद्रियां दोनों पर कंट्रोल है, इसलिए कोई बुरा कार्य करेगा ही नहीं, बुरा कार्य ना सोचेगा ना करेगा। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का मतलब जिसको दृढ़ निश्चय है कि मैं भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, जिसको गुरु के ऊपर, गुरु की आज्ञा के ऊपर दृढ़ निश्चय है, जिसको शास्त्रों पर दृढ़ निश्चय है, जिसको अपनी भक्ति के ऊपर कि मैं भक्ति करूंगा भगवान मिलेंगे मुझे, भगवान धाम चला जाऊंगा मैं, भगवान मिलेंगे मुझे, भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वो दृढ़ निश्चय होता है। शास्त्रों के ऊपर जिसको पूर्ण विश्वास है वो दृढ़ निश्चय होता है। और क्या है, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान पर स्थिर कर दी है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है और भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। तो इतने सारे ये कृष्ण भावना भावी सारे कार्य हैं इसके, तो इस कार्यों की वजह से भगवान कहते हैं मुझे बड़ा पसंद है ऐसा भक्त, प्रिय है मेरा। तो भगवान की अगर हम प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। तो खाली भक्त बनने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो भक्त बनने के लिए हमें ये सब ऐसा बनना पड़ेगा, इसको समझिए। अभी हमारे अंदर कितने दुर्गुण हैं, कितनी ईर्ष्या होती है, किसके पास है मेरे पास नहीं, इसका इतना अच्छा मकान बन गया मेरा देखो ऐसा ही है, इसके पास गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास छोटी है, इसके बच्चे अच्छे पढ़ गए मेरा नहीं पढ़ना, ये कंपैरिजन, ये ईर्ष्या नहीं करनी है, इसको छोड़ना, क्योंकि हम लोग अभी तक देहात्म बुद्धि में, देहात्म बुद्धि छोड़नी पड़ेगी, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। फिर अन्न गुण, श्लोक नंबर 15 कि जिससे किसी को कोई कष्ट उद्विग्न नहीं होता, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता। कष्ट का मतलब क्या है, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है या भय, चिंता, असंतोष, ये सब कष्ट में आते हैं, मानसिक भी, किसी से भी भय, चिंता, संतोष सब मानसिक है, तो ये सब जो है कष्ट किसी उसके द्वारा किसी को नहीं होते कि वो मेरा ये भक्त जो है मेरा नुकसान कर देगा, ये भक्त मेरे को चिंता में इसने डाल दिया, मेरी ये चीज छीन लेगा,
या बड़ी बेचैनी हो रही, भक्त इतना कर रहा मैं कुछ नहीं कर, भक्त से किसी को कोई उद्विग्न नहीं होता, भक्त ऐसे कार्य करता है, उसको देखकर कोई उद्विग्न नहीं, बल्कि शांत हो जाते हैं। और भक्त भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, किसी कार्य से उद्विग्न नहीं होता, किसी कारण उसको भय नहीं होता, अरे मैं तो ये कर रहा हूं, मेरा क्या होगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा क्या होगा, मेरा खाना का क्या होगा, मेरे परिवार, उसको भय नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है उसको योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो भगवान पर सब छोड़ना है, भगवान अपना दिनचर्या की या अपने उसकी चिंता नहीं करनी है कि हम वृंदावन जाएंगे वो मकान लेंगे तभी रहेंगे, ऐसे भी चलेगा तो भी मिल जाएगा, जाओ तो सही, भगवान लेने को तैयार है, दोनों हाथ खोल के खड़े हुए हैं, आ जाओ, लेकिन हम लोग बढ़िया मकान लेंगे, बढ़िया जगह लेंगे, इसी में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ लेने की जगह छोड़ के चले जाओ बस। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, कबीरदास जी कहते हैं जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, अपना घर फूक के चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे अगर भगवान को चाहते हो तो, लेकिन हम लोग अभी ऐसा इस स्टेज पर ही नहीं है। विषय व्यक्ति अपने शरीर के लिए तृप्ति के लिए किसी वस्तु का पाकर बड़ा प्रसन्न होता है, या नहीं मिलती है तो ईर्ष्या करता है, दूसरों की चीज देखकर दुखी होता है, शत्रु से भयभीत रहते हैं, निराश होने पर चिंता करते हैं, लेकिन भक्त के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। फिर हर्ष अमर्ष भयो उद्योगो मुक्तो, हर्ष, हर्ष का मतलब क्या है, खुशी सुख, और अमर्ष का मतलब दुख, दुख भय क्रोध चिंता सबसे ये मुक्त होता है, जो ऐसा होता है उसको भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भक्त जो है भगवान की भक्ति में रत रहता है, उसको इस सब चीजों का टाइम ही नहीं है, किससे ईर्ष्या करे, कहां किस कहां खुशी जाहिर करे, कहां दुखी करे, वो तो सिवाय भगवान के 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगा हुआ है कि भगवान को कैसे मैं प्रसन्न करूं, उसको बस यही चिंता होती है, संसार की चिंता नहीं होती। ईर्ष्या के लिए टाइम थोड़ी चाहिए, ईर्ष्या तो पैदा अपने आप ही हो जाती है। ना वो तो आपने कोई चीज चाहना करी तभी होगी ईर्ष्या, तभी होगी जब आप चाहना करोगे, क्या चीज की आपने ईर्ष्या, क्यों आप ईर्ष्या कर रहे हो, क्योंकि उसकी कोई चीज देखकर आपको ईर्ष्या हुई ना, ऐसे आपको ईर्ष्या नहीं होगी, कुछ चीज आपने उसकी देखी है तो आपको ईर्ष्या होगी, लेकिन तब तो आप अध्यात्म बुद्धि में हो, लेकिन भक्त जो है इन सबसे चीजों से ऊपर होता है, ये चीजें ये गुण उसको विकसित नहीं करने पड़ते, अपने आप ही उसके अंदर विकसित रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान की सततम योगी है ना, सबसे पहले ही बता दिया सततम योगी, हर समय मुझसे जुड़ा हुआ है। अगला श्लोक अनपेक्षा, अनपेक्षा अनपेक्षा का मतलब किसी से अपेक्षा नहीं रखता, इच्छा नहीं करता कि ये मेरे लिए करेगा, अपेक्षा किसी की नहीं उसको, जो सरलता से मिल जाए बिना संघर्ष के उसी में संतुष्ट रहता है। सुचि, सुचि माने वो प्योर रहता है, पवित्र रहता है अंदर से भी और बाहर से भी, बाहर से कैसे, स्नान करता है 2-3 बार दिन में, और अंदर से कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता रहता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हर समय अपने मन रूपी दर्पण का मार्जन करता रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है। ऑफिस में नौकरी करता हूं, 2 बार कैसे नहाएगा, 3 बार नहाने के लिए बता, ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी तो आपको 3 बार नहाना, त्रिकाल संध्या। फिर दक्ष, सुबह दोपहर और रात शाम, दक्ष, दक्ष का मतलब क्या है, बड़ा दक्षता, स्किलफुल, स्किल होती है उसके अंदर, जैसे किसी को मशीन बनाने की बड़ी स्किल है, परफेक्ट है, कोई भी ऑफिस का कोई पुर्जा खराब हो गया, कोई मशीन खराब हो गई, वो परफेक्ट है, ऐसी वो स्किलफुल होता है, किसमें स्किल होता है, जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, कि जो जीवन में हम जो अपना कार्य मनुष्य जीवन हमें किसने मिलाया, भगवान की प्राप्ति के लिए, इस सार को वो जानता है, ऐसे जो ऑफिस का इंजीनियर है उस सार को जानता है कि इसका ये मशीन यहां से खराब हुई है, ये इसका कनेक्शन वहां से था,
अगर वो मैं ठीक कर दूं यहां से ये चलने लग जाएगी, तो वो सार को जानता है। ऐसे ही भक्त, भक्त जो होता है जीवन के भौतिक कार्यकलापों के सार को जानता है, जो कि हम कार्य कर रहे हैं उसका क्या लक्ष्य है, उससे क्या मिलेगा हमें, इस चीज को वो जानता है। दक्ष, ये है दक्षता उसकी, एक्सपर्ट, स्किलफुल। और प्रामाणिक शास्त्रों में भी उसको अच्छे तरीके से समझता है, प्रामाणिक शास्त्रों को, जो कि शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बल के हिसाब से हम लोग विधि विधान का पालन करते हैं, उनको अच्छा से समझता है। देन उदासीन, उदासीन का मतलब किसी की तरफ जारी नहीं करता, ये अच्छा है मैं इसकी तरफ हो जाऊं या वो अच्छा है, किसी की तरफदारी नहीं करता, इसलिए चिंता से मुक्त रहता है। जो मर्जी हो, तरफदारी जिसकी करोगे उसी में चिंता हो जाएगी। अभी इस क्रिकेट में ही देख लो, इंडिया नहीं जीत रही तो चिंता हो रही है, हाय हाय गई तो तालियां बज रही है, कितना ज्यादा वो उदासीन रहता है। ये जरा वोटिंग में देख लो, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा, लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है। वो न्यूट्रल रहता है भक्त, उसे इन सब चीजों से चिंता मुक्त रहता है। गत व्यथा, गत व्यथा का मतलब व्यथित नहीं होता, समस्त प्रकार की उपाधियों से, शरीर भी एक उपाधि है, इन सब से वो विगत रहता है, किसी प्रकार की उपाधि को नहीं चुनता, अपने आप को सिर्फ भगवान का भक्त मानता है कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ, उन सब चीजें मैं अमीर हूँ गरीब हूँ या मैं बड़ा सेठ हूँ डॉक्टर हूँ इंजीनियर हूँ, मतलब कोई सी प्रकार की उपाधि उसने नहीं मानी। इसलिए जो कभी शारीरिक कष्ट आने पर भी वो मुक्त रहता है। सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी का मतलब क्या था, किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भगवान की भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो, भगवान की भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो ऐसा कोई कार्य नहीं करता अपने लिए, कि हमारी इच्छा पूर्ति हो, हम ये कार्य कर लें, धन कमा लें या पढ़ाई कर लें या अपना घर बनवा लें या ये ले लें या वो ले लें, यहाँ चले जाएं घूम आए, किसी बात का वो सर्व आरंभ परित्यागी, आरंभ मतलब सब प्रकार के प्रयासों को वो नहीं करता, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार रहता, सिर्फ वो कार्य करता भगवान की भक्ति, इसको कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी, किसी प्रकार का कर्तव्य प्रयास नहीं करता, पर भगवान के लिए सब प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे घर बनवाना है तो अपने लिए आलिशान मकान नहीं बनवाएगा, कैसे रहेगा, अनिकेत, उसके पास घर ही नहीं है, रहना ही नहीं चाहता घर में। और भगवान के लिए भव्य मंदिर, जैसे प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए और प्रभुपाद के पास अपना घर ही नहीं, हमारे महाराज देख लो अपना कोई घर नहीं, चारों तरफ भागते ही रहते हैं। तो ये है शुद्ध भक्त के लक्षण, चारों तरफ उनके पास कोई अपना घर नहीं, कहीं वो जाकर रुक जाए। माता जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट है, उसका बैंक में, स्टेट बैंक में अकाउंट में सिर्फ 2,000 या 2,500 का सेविंग थी, कोई फिर यो मद भक्त सामे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर 17वां नंबर, यो न हिष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्या सामे प्रिया, जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है ना पछताता है ना इच्छा करता है। चार चीजें बताई हैं, हर्षित भी नहीं होता, हर्षित मतलब कोई अच्छी चीज मिल जाए तो हर्षित नहीं होता, हर्षित कब होते हैं हम लोग, जब बड़ी ऐसी चीज जो कि हम लोग को चाहिए और वो सामने आ जाए, जैसे किसी को लड़का चाहिए और लड़का वो पैदा हो गया तो इतना खुश हो जाता है, किसी को धन चाहिए या किसी को अपना रिजल्ट में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, बड़े अच्छे मार्क्स मिल गए या कोई चीज ऐसी चीज मिल गई तो कितना प्रसन्न होता है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं, इसके भक्त के साथ मिल गया ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है, और अगर खो गया किसी का सामान या किसी का अपना प्रिय की मृत्यु हो गई तो शोक भी नहीं करता, तो और ना ही किसी से नुकसान होने पर या अपने पास नहीं है द्वेष भी नहीं करता कि चलो नहीं मिला उसको मिल गया तो उससे ईर्ष्या करने लगे, ऐसा भी नहीं, और शोक भी नहीं करता प्रिय वस्तु के खो जाने पर पछताता नहीं, और ना ही किसी वस्तु के लिए ऐसी वस्तु के लिए इच्छा करता है जो कि उसके पास ना हो, उसके पास कोई चीज नहीं है उसके लिए इच्छा भी नहीं करता ना कांक्षति, कांक्षति का मतलब यह है
आकांक्षा करना किसी चीज की। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ का मतलब ये शुभ कर्म जैसे हम लोग करते हैं, देवी देवताओं से मांगते हैं, सारे शुभ कर्म है, यज्ञ कर रहे हैं और उनसे चीजें मांग रहे हैं और स्वर्ग लोग जा रहे हैं, सब शुभ कर्म, शुभ कर्म आते हैं। और अशुभ कर्म क्या है? जो विकर्म होते हैं, जो हम लोग पाप कर्म करते हैं। तो शुभ ना शुभ भी नहीं करता अशुभ, क्योंकि दोनों बांधने वाले हैं, दोनों बंधनकारी हैं, दोनों में आपको शरीर मिलेगा भोगने के लिए। तो न शुभ करता है न अशुभ करता है, क्या करता है? अकर्म करता है, सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, जिसका कोई मुझे संसारिक फल ना मिले, कोई भी फल की चाहना नहीं उसको। भगवान की भक्ति के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है, उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर 18 और 19, सम शत्रु जा मित्र जा तथा मान अपमान्यो शीतोषण सुख दुखेशु सम संग वर्जिता, कि जो शत्रु मित्र में संभाव, मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यह अपयश, पांच चीजें बताई भगवान ने यहाँ पर, जो इसमें संभाव रहता है, क्योंकि संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करता है, अपने आप को शरीर नहीं मानता, इसलिए सब में संभाव, शत्रु मित्र में संभाव, शत्रु को भी मित्र समझता है और मित्र को तो मित्र है ही, तो उन दोनों में संभाव, ये नहीं कि ये मित्र है ये मेरा बड़ा अच्छा हो, ये शत्रु है बड़ा बुरा, वो दोनों को संभाव, दोनों में आज परमात्मा देख रहा है। और अपने आप को शरीर नहीं मानता, इसलिए मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश, इन सब में भी संभाव रहता है, इन सबसे परे है ऑलरेडी, क्योंकि अपने आप को शरीर मानता, अपने आप को सोल मानता, आत्मा मानता। किसी व्यवस्था में विचलित नहीं होता। संग विवर्जिता, संग विवर्जिता का मतलब क्या है? कि जो दूसरी संगति, संसार से जो आसक्ति है वो नहीं मानता, उससे मुक्त रहता, दूसरी संगति से मुक्त है, संसार में उसकी आसक्ति नहीं। और आसक्ति ऐसी मतलब कि मन से भी कुछ नहीं सोचता उसके बारे में, मन में होता है, चलो मन के अंदर आसक्ति ऊपर से नहीं ले रहे, ऐसा नहीं, मन से ही उसको निरासक्त रहता है। ऐसे राजा जनक थे, राजा जनक जो है अपने राजमहल में रहते हुए भी अनासक्त थे, किसी के अंदर वो नहीं थी उनको आसक्ति कि ये मेरा राज है, ये वो सब कर्म करते थे लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भगवान के रास्ते में लगाने के लिए सारे कर्म करते थे, कि भगवान लोग अच्छे तरीके से कर्म करें, कैसे कर्म करे जाते हैं ये सिखाने के लिए वो कर्म करते थे। वैसे वो कर्म करने की उनको जरूरत नहीं थी, इन सब चीजों से ऊपर थे। ऐसे लोगों का संग नहीं करता जो भक्ति में बाधा पहुंचाए। तुल निंदा स्थिति मौनी, ये तो बता दिया, यश अपयश में समान रहता है। और मौनी, मौनी का क्या मतलब है? जो मौन रहता है, जो सिर्फ कृष्ण की बात करता है। हाँ, मौन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चुप हो गया, बोलता नहीं है, बोलता है क्या? सिर्फ कृष्ण कथा, भगवान के ही बारे में बोलता है। और खाली मुंह से, मन से भी, कई लोग ऐसे मुंह से तो नहीं बोल रहे, मन से खूब बातें उनके अंदर आ रही जा रही है, मन से भी मौन रहता है, मन से भी भगवान की ही कथा करता है, अपने मन में भगवान का ही चिंतन करता है सततम, और कृष्ण कथा करता है। ये है मौनी, संसार की बातें नहीं करता। हम लोग अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बाहर बैठ कर चालू हो जाएंगे, वो हमको होना चाहिए मौनी। मौनी का मतलब जो बोलो भगवान कृष्ण की बात बोलो, क्योंकि उसने भगवान को पा लिया है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी प्राप्त हो जाए, प्रारब्ध मतलब, प्रारब्ध का मतलब ये होता है जो हमारे, हमने कर्म किए हैं वो फलीभूत हो रहे हैं इस समय, तो वो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, जो कर्म किए हैं वो पिछले जन्म के, जो कर्म किए हैं वो अब फल दे रहे हैं हमें, कहते हैं तेरा प्रारब्ध। हाँ, तेरा प्रारब्ध है, यही इसका मतलब, जो तुमने कर्म किए हैं वो तो, उनका जो फल, हाँ, वो अब फलीभूत हो रहे हैं, उसका काम किए होंगे।
तो वो जो भी उसको मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने तो भगवान को पा लिया, उसे और क्या पाना क्या है, और सबसे बड़ी उसने लक्ष्य को तो अपने पा ही दिया है, अब उसे क्या चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, वो पा ली उसने, वो कर रहा है। भगवत धाम में हम लोग जाएंगे यही तो करेंगे, क्या करोगे, भक्ति करनी तो करो, तो अभी करोगे तो अभी भगवत धाम में हो, ये समझ लो, अभी नहीं प्रैक्टिस नहीं है, अभी भगवत धाम में हो, यही भगवान आ जाएंगे। अब ये बताओ भगवत धाम क्या होता है, जहाँ भगवान रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ भगवान रहते हैं, तो भगवान तो कह रहे मैं सर्वत्र हूँ, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, कण कण में है, कहाँ नहीं है भगवान, कण कण में है, तो जहाँ भगवान है वही तो वैकुंठ है, तो यही भक्ति करोगे यही वैकुंठ हो जाएगा। ये मत सोचो कि हम वहां जाएंगे तब करेंगे, यही करो अभी तुरंत, जैसे ये है ये हमने उसको पकड़ लिया, अरे छोड़ नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा, अरे छोड़, छुड़ा हुआ है, हमने पकड़ा है, छोड़ते ही हमें अपना करंट लग रहा है तब भी नहीं छोड़ रहे, छुटा हुआ है करंट, हट गया, सुख मिल गया, तो हम भक्ति करेंगे, सुख हमारे अंदर है, भगवान अंदर ही बैठे हैं, देख रहे हैं हमारे सारे कर्मों को, लेकिन हमारी क्या है, पीठ है भगवान की तरफ, मुख कर दो, मुख हो जाए भगवान की तरफ, बस उसी समय शांति मिल जाएगी, वो हमारी पीठ की तरफ भगवान बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि इसका तो मेरी तरफ मुंह करे, मैं इसको बचा लूं, लेकिन हम ऐसे दुष्ट हैं कि हम पीठ करके बैठते हैं भगवान की तरफ, सम्मुख नहीं होते, सब जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है उसी समय उसके सारे पाप कष्ट हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, सन्मुख होते ही, लेकिन हम सन्मुख नहीं होना चाहते हैं, किसकी तरफ सन्मुख है, माया की तरफ, भौतिक संसार में सन्मुख है, क्योंकि भगवान की माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी बलवान है, बलवती है, और जीव हालांकि सुपीरियर एनर्जी है, माया से सुपीरियर है, लेकिन फिर भी इतना छोटा होता है कि माया उसके कवर हो जाती है, और वो ही छूट सकते हैं जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे में प्रबंधे माया में ताप तरंती, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से तर जाता है, तो हमें भगवान की शरणागति ग्रहण करनी, जैसे भी हो, एन केन प्रकेन जो भी कर सकते हो कर लो, अभी मनुष्य जन्म में ही आप भगवान को पा सकते हो, इस बात को समझ लेना, और कोई जन्म में नहीं, अगला जन्म होगा पता नहीं क्या बनेंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे ही मिलेगा। और एक चीज और बता दें आपको, इस जन्म में तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि अब मनुष्य जन्म मिलेगा हमें, कोई जरूरी नहीं है, जैसे गांव में क्या होता है, जब धान या गेहूं होता है इकट्ठा हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उसके अंदर डाल दिया, फिर आया फिर डाल दिया, फिर आया फिर डाल दिया, फिर आया फिर डाल दिया, जो लेटेस्ट है वो सबसे ऊपर है, और जो नीचे और नीचे नल लगा हुआ वहां से हमें निकालना गेहूं, ऊपर वाला तो बाद में आएगा ना, पहले तो नीचे वाला आएगा, तो जो हमने पहले के पाप कर्म करे वो अभी हमारे सामने आएंगे, तो हमें नहीं पता जरूरी है मनुष्य होने में जन्म मिले, और एक बार वहां चले गए तो 84 लाख में पता नहीं अनंत जन्मों तक घूमते रहेंगे, मिल गया है पकड़ लो इसको, सही जगह पर आ गए हो, प्रभु पाद मिल गए हैं, इस्कॉन की तरफ आ गए हैं हम लोग, पता लग गया कृष्णा सुप्रीम लक्ष्य है, सब कुछ पता लग गया है, तो ये मत समझो कि इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें तो मनुष्य योनि मिलेगी, हम अगले जन्म में और कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं मनुष्य योनि मिले, जितना ज्यादा कर सकते हो अभी कर लो, पिछले जन्मों के हिसाब से हमें कौन सा जन्म मिलना हमें नहीं पता, कभी हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो मनुष्य जन्म मिल गया, उसके बाद हो सकता है अच्छे कर्म ना करे हो, अगला जन्म है हमें पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब से कौन सा मिलने वाला है, तो जितना ज्यादा कर सकते हो, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, दो क्षण में भी उद्धार हो सकता है, राजा खंडवांग थे, उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध करा, देवताओं को जिताया, देवताओं ने कहा कि आप वर मांगो, तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे बताओ मेरा कितना जिंदगी बाकी है, कहते हैं आपके तो बस दो घड़ी बाकी है, हाँ दो घड़ी में उस समय का दो घड़ी काफी लंबी होती थी,
तो उनके हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो उनका हिसाब से भी वही था दो घड़ी, जैसे हो जो हमारे हिसाब से दो घड़ी है, तो कहते बस दो ही घड़ी बाकी मेरे लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो दो घड़ी में उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो भगवत धाम चले गए। तो ये मत सोचो कि अभी तो बहुत समय लगेगा, कैसे होगा, पता नहीं अगला जन्म क्या मिलेगा, अभी हो सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा है सिर्फ भगवान नाम का जप करो, 16 माला का जाप और 4 नियमों का पालन और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाओ, बस अगर इतना कर सकते हो तो भगवत धाम ले जाना। प्रभुपाद ने गारंटी दी हम ले जाएंगे भगवत धाम, हाथ पकड़ लेंगे हमारा। सिर्फ 16 क्या करना है, 16 माला का जाप, भगवान का नाम का जाप, कोई कठिन है? पहले तो लोग 1,00,000 बार करते थे, 16 माला नहीं होती थी, 64 माला होती थी। तो प्रभुपाद ने 16 कर दी हमारे लिए और 4 नियमों का सिर्फ पालन, जो कि सब कर रहे हैं हम लोग। क्या 4 नियमों का पालन? किसी प्रकार का तमोगुणी पदार्थ नहीं खाना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संबंध नहीं। क्या है, सो इजी, सब कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ इतना करना है और भोग लगाकर भगवान को प्रसाद पाना। अगर हम इतना कर लेते हैं सच्चे मन से, तो फिर हम भगवत धाम जाने से प्रभुपाद हमें ले जाएंगे। प्रभुपाद ने गारंटी दी कि मैं ले जाऊंगा, पूछा है उन लोगों के शिष्यों ने, प्रभुपाद आप तो चले जाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे, आप तो जा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा बस इतना कर लेगा, हम ले जाएंगे तुम लोग को, जो भी हमारी शरण हमारे इस्कॉन को ज्वाइन करेगा। तो हमें सिर्फ छोटा थोड़ा सा काम करना, संसारी काम तो कितने कठिन होते हैं और कितनी चिंता वाले होते हैं, और ये कितना इजी है। क्या बताया है, सात्विक चीजें तो बताई हैं, सारी बीमारियों से दूर रहोगे अगर तुम इस तरीके से काम करोगे, तो चिंताओं से मुक्त रहोगे, सारा संतोष आ जाएगा मन के अंदर अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो। और भगवत धाम जाने की गारंटी। लेकिन अगर मनुष्य जन्म बेकार कर दिया, नहीं गए, तो अगला जन्म पता नहीं क्या मिलेगा, क्या पता, अपने कर्मों के हिसाब से जानवर बने, पेड़ बने, पौधे बने, मछली बने, कीट कीटाणु बने, क्या पता, मक्खी मच्छर, क्या पता क्या क्या बने, कितने मारते हैं हम लोग, जो मारते हैं जो करते हैं वो सब भोगना पड़ेगा हमें। एक चींटी भी मरती है ना, उसका भी हमें पाप भोगना पड़ता है। एक चींटी पता नहीं लगता हमें, अनजाने पाप हो रहे हैं हमसे, और हर पाप का हमें दंड मिलेगा, हर पाप का, मच्छर जो मार देते हैं हम लोग, हर पाप का दंड मिलेगा। लेकिन अगर हम वही कार्य सिर्फ भगवान के लिए करते रहते हैं, सारा कार्य चलते जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो उसका हमें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा, चाहे हमसे पाप हो गया हो, हमें नहीं भोगना पड़ेगा। और अगर हम अपने लिए जा रहे हैं पिक्चर देखने, और चींटी मर गई या चींटा मर गया, तो हर चीज का भोगना पड़ेगा। कितनी बार सांस ले रहे हैं, सांस लेते हुए कितने कीटाणु मर रहे हैं हमारे अंदर, आपको पता है पानी के अंदर कितने कीटाणु होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखो, सब हम पी रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। गेहूं के अंदर कितने घुन पिसे हैं, कितना उसके अंदर बैक्टीरियल साइड्स डाले गए हैं मारने के लिए, कितने उसके अंदर मौतें हुई हैं, आपको पता है। और सब रोटी पका के खा ले, सब पाप ही पाप खा रहे हो, अगर वही भोग लगा दिया सारे पाप नष्ट, पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इतना सा हमें कार्य करना है, कितना इजी है, और संसारी कार्य कितना कठिन है। गंदे होटलों में जाके खाना खाया, पेट खराब हो गया, भर्ती हो गया अस्पताल में, कितना कष्ट सहना पड़ा, इतनी कमजोरी आई अंदर, इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज लगा, क्या क्या हुआ, सिर्फ अपनी जिव्या के लिए गए और भगवान का प्रसाद पाए, कितनी प्रसन्नता आई। देन संबलता हो गया, तुलनिंदा स्थिति मौनी संतुष्टो इनके इनचित, किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहता। अनिकेत, अनिकेत का मतलब क्या है, उसका कोई अपना घर नहीं होता, कभी वो पेड़ के नीचे भी खुश है तो बड़े बड़े आलिशान मकान में भी खुश है, अपने मकान के प्रति उसको आसक्ति नहीं होती, ये मेरा मकान है, ये मेरा, लोगों के घर में जरा सा भी नुकसान हो जाए तो अपना शोर शराबा बच जाता है, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने तो एक एक ईंट लगवाई, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और उसको इसमें ममता या शक्ति नहीं है। चाहे वो पेड़, जो वो थे षट गोस्वामी,
वो एक पेड़ के नीचे भी एक रात नहीं रहते थे। ऐसे एक रात एक पेड़ में रहेंगे, अगली रात दूसरा पेड़ की आसक्ति ना डेवलप हो जाए इस पेड़ से ही। वो कील टांग दी, अपना सामान टांग दिया, कुछ टांग दिया, ना आसक्ति ना हो जाए अगली रात दूसरे पेड़ के नीचे। ऐसा बनना है, पेड़ में भी आसक्ति ना हो और बड़े बड़े मकानों में भी रह लें। महाराज हमारे देख लो, बड़े बड़े आलिशान, कितने बड़े बड़े वो हैं, आसक्ति नहीं है किसी भी चीज में, कोई घर नहीं है उनका अपना, कहां से कहां भागते रहते हैं। तो अर्थात वो घर बार की कोई परवाह नहीं करता। उसके बाद स्थिर मति, स्थिर मति का मतलब क्या है? ज्ञान में दृढ़, मतलब अपने संकल्प और ज्ञान में स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है। तो इन सद्गुणों के बिना जो है कोई भी भक्त नहीं बन सकता। भक्ति के लिए, जो भक्त के लिए ये जो सद्गुण डेवलप हो जाते हैं, इसके लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, अनिकेत रहूं, या मैं किसी से द्वेष ना करूं, मैं किसी से मान अपमान से परे रहूं, ये सब के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना है। उसे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। ये गुण अपने आप डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। कि कहो मैं तो अंदर ये गुण नहीं है, मैं तो अब ये गुण डेवलप करूंगा, नहीं, सिर्फ भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो, अपने आप ये सारे गुण डेवलप हो जाएंगे। अब 20वां श्लोक लास्ट। एतु धर्मम अमृतम इदम यथोक्तम परिउपासते श्रद्धाना मत परमा भक्त्याते अतीव नेत्या। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, ये जो पथ भगवान ने रास्ता बताया है, जो इसका अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, इसका मतलब मुझे ही अपना लक्ष्य बना लिया, अपना एम भगवान की हमें भक्ति करनी है, भगवान से हमें कनेक्ट करना है और किसी से कनेक्शन नहीं रखना। जो इस प्रकार पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। अगर भगवान को पसंद करना है तो हमें शुद्ध भक्त भगवान का बनना पड़ेगा, शुद्ध भक्त की स्टेज तक आना पड़ेगा। अब जैसे भी आओ, हम लोग तो अभी बड़े लोएस्ट स्टेज में है, कनिष्ठ में भी अधिकारी भी नहीं है, कनिष्ठ से भी लो ही है। अभी तो बस श्रद्धा के लेवल पर है, हाँ हमारी श्रद्धा है कृष्ण पर, इसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर आसक्ति, निष्ठा, फिर भाव, फिर प्रेम, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। बहुत सीढ़ियां हैं भगवान के पास पहुंचने की, 10 सीढ़ियां बताई गई हैं। तो हम लोग अभी पहली सीढ़ी में श्रद्धा ही पक्की नहीं है। अभी आप कह रहे हो हमारे अंदर तो यही होता है, श्रद्धा नहीं है कि हम भगवान मिलेंगे, राम करो विश्वास, मिलेंगे राम, विश्वास करना, विश्वास नहीं करो, विश्वास नहीं करोगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। आपको किताबों में लिखा हो उसको विश्वास करते हो ना, कि ऐसे चल जाते हो, आप किसी बस में बैठते हो, ड्राइवर पे विश्वास होता है कि उसका लाइसेंस देखते पहले जाकर, विश्वास है कि बस हमें वहां पहुंचा देगी, इतने बजे तक हम पहुंच जाएंगे। विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, बाकी सब पर विश्वास होता है। विश्वास तो होता है ना, बैंक में जाकर पैसे दे आते हो, विश्वास होता है मतलब पैसा इकट्ठा रहेगा, तो रसीद तो लिया, तभी विश्वास तो है ना, रसीद ले ली आपने, कोई भी दे दे आपको रसीद, जाली रसीद दे दे, आपको विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं हमारा, श्रद्धा ही पक्की नहीं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हम तो टाइम पास करके आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ से सीख के जाते हो उसको घर में आचरण पे लाओ। हमें ऐसा बनना है, 24 घंटे भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, अपना दिनचर्या ऐसे डाल लो, ये नहीं कि 24 घंटे घंटा ही बजाना है, घंटा नहीं बजाना, मनन भी वैसा नहीं है, दिमाग में कृष्ण हो, हंस के अंदर कृष्ण देखो, बात करो उससे, हंस के बात करो, उसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, कोई अपना दुख लेकर आएगा उसको सॉल्व करो, ये नहीं कि अपनी घंटी बजाया जा रहा है, हम किसी से बोलना ही नहीं है, सारे कर्म वही करने हैं, लेकिन अपनी भावना को कृष्ण के साथ अटैच रखना कि हम उनके दास हैं, ये भगवान के रूप में हमारे घर में आए हैं। प्रणाम हम लोग क्यों करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं, उसको थोड़े करते हैं, उनके अंदर परमात्मा को प्रणाम करते हैं और वो हमें प्रणाम करते हैं, वो भी हमारे अंदर परमात्मा को करते हैं,
वो हमको हम ये समझते हैं हमें करना है। अरे नहीं 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 हमारे न छुए, अरे तुम्हारे कौन छू रहा है, परमात्मा के छुए जा रहे, इसको समझो, इसको समझो, परमात्मा को उसने तुम्हारे अंदर परमात्मा देखे हैं और हमें भी उसके अंदर परमात्मा देखने, ये भाव भक्त का होता है, समभाव इसको कहते हैं, क्योंकि वो किसी से दोष कर ही नहीं सकता, उसके अंदर परमात्मा देख रहा। तो भगवान कहते हैं पूरे अध्याय में भगवान ने अपने पास पहुंचने की विधि का वर्णन किया। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि निराकार भक्त में और साकार भक्त में कौन ज्यादा अधिक श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, साकार, जो मेरी भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे क्या करेगा कि भक्ति में धीमे धीमे उसकी आसक्ति होगी, प्रामाणिक गुरु के पास जाएगा, भजन क्रिया करेगा और उसके बाद विधि विधानों का पालन करके मेरा दिव्य भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये तो उसका सीधे आ गया डायरेक्ट। और अगर जो नहीं कर सकते, जो निराकार की करना चाहते हैं कि हम नहीं कर सकते, निराकार की भक्ति करना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, निष्काम भाव से सबकी सेवा करो, सब में संभाव रखो, ये भक्त के भी लक्षण है, सबकी सेवा करो, सब में संभाव रखो, इसके भी लक्षण है। लेकिन इसमें ये क्या है कि ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, पदार्थ का, तुम कौन हो, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, फिर ध्यान करता है, अष्टांग योग का पालन करता है, कितना कठिन विधि है, और उसके बाद भी फल वो नहीं मिलता जो भक्त को मिल रहा। जब तक भक्त की संगति में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रवदते, ज्ञानवान जो हो जाता है बहुत जन्मों के बाद, वो जो ज्ञानवान ऑलरेडी हो चुका है वो मेरी शरण में आता है, जब उसको कोई शुद्ध भक्त मिलता तब वो कहता वासुदेवा सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा। तो ज्ञान के मार्ग से आओगे तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस में प्रोग्रेस होगी, और अगर सीधे भक्ति में आ जाते हो तो डायरेक्ट आपका हाई भगवान से कॉन्टेक्ट हो गया। तो हमें सीधे भक्ति में प्रभुपाद जी ने लगाया है, वही हमें करना, विधि विधानों का पालन। विधि विधान क्या है, सुबह उठो, भगवान की मंगल आरती करो, माला जाप करो, मंदिर जाओ, भगवान के लिए श्रृंगार करो, भोग लगाओ, भोग बगा के खाओ, भगवान की गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के ग्रंथ पढ़ो, और सबको भगवान का, सबको भगवान की भक्ति में लगाओ, अर्थात प्रचार कार्य करो, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सब कार्य में भक्ति की, ये सब विधि विधान है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम भगवान हमें सहायता देते चले जाएंगे, योग क्षेम हमारा वहम करेंगे। भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परियुपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम भवामि, मैं उसका योग क्षेम वहन कर लेता हूँ, उसको अपने लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो उसके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा कर लेता हूँ, उसको अपने लिए चिंता नहीं करनी। कौन किसके लिए, जो हर समय भगवान को अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरी सेवा में लगा रहता है। तो सीधे कृष्ण भावना में आओगे तो इतने सोपान पार नहीं करने पड़ेंगे और जीवन निर्वाह के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी, भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः ही सुलभ हो जाएंगी, भगवान की कृपा से अपने आप सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, घर कहाँ से मिलेगा। हमें भगवान की भक्ति में जाना है, इस तरफ नहीं सोचना है, हमें भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, उसी को बस इस्तेमाल करो, लेकिन उसमें हम बिना आसक्ति के, आसक्त मत होना, आसक्त हो जाओ भगवान के अंदर, ये सब चीजें दी है भगवान ने, इसको कृपा समझो कि हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, मैं इस काबिल नहीं था, जो भगवान ने हमको इतनी कृपा करी, इस काबिल हम नहीं है, हम लोग तो अभी अच्छे हैं, खाते पीते हैं, अपना अपना घर है, अपनी अपना सवारी है, बच्चे हैं, सबको पढ़ा, जो गरीब है, रिक्शे वाले हैं, जो मजदूर है उनको देखो, मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी कितना उनके अंदर नारकीय जीवन बिता रहे हैं, कितने कष्ट भोग रहे हैं,
बरसात सह रहे हैं, जाड़ा सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, रोटी सुबह कमाएंगे तो शाम को रोटी मिलेगी, घर नहीं है कोई अपना, झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं ये मजदूर। देखो बगल में घर बन रहा है ना, एक छोटी झोपड़ी डाली है, दो चार, एक छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ उन्होंने ईंटों से ही, और दो चार बर्तन रखे हैं और उसी में खा रहे हैं, दूसरा मकान बन जाएगा उसमें चले जाएंगे। औरतें अपने ढो ढो के ला रही है, कितना कष्ट सह रहे हैं, उसमें भी वो खुश है। आसक्ति है बच्चों में, आसक्ति है, वो भक्त नहीं है, निरासक्त नहीं है। रोटी उनकी एक ले लो तुम, या कोई एक फटी हुई उनके कोई कपड़ा भी उठा लोगे और मारने दौड़े हैं, उनके अंदर आसक्ति है, वो वाली आसक्ति नहीं है। उनके पास है ही नहीं तो वो करें क्या? अभी उनको मिल जाए एक चीज तो वो छोड़ेंगे, चोरी कर लेते हैं जाकर। उनको एक भी चीज मिल जाए, थोड़ा छोटा सा एक झोपड़ी दे दो तो बस वो झोपड़ी बालकाना हक हो जाता है उनका, वो छोड़ेंगे नहीं उसको, उनसे पैसा लेने तक छोड़ेंगे। तो उनको यहाँ पे झोपड़ी बना के रहने दो, उनको नहीं रहने दे सकते। तो वो जो है हमको, मतलब ये हमको ये समझ लो कितना भगवान ने कृपा करी हुई हमारे ऊपर, इस काबिल हम नहीं थे, और फिर भी अगर हम भगवान को ना माने, श्रद्धा ना रखें, तो धिकार है हमारे ऊपर। मनुष्य योनि मिली है, निकल जाओ, निकल जाओ ऊपर। कोई लड़का बहू पता नहीं कितने जन्मों से कितने लड़के बन चुके, कितनी बार हम उनके लड़के बन चुके, कितनी बार वो हमारे लड़के बन चुके, हमें नहीं पता। कई करोड़ हजारों असंख्य जन्म बीत गए हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना है मनुष्य जन्म में सिर्फ, और कोई जन्म नहीं, ना देवी देवताओं का जन्म, ना नैव योनियों का जन्म। देवी देवता भी भोग भूमि है, भोग योनि है, और निम्न जन्म वाले भी सारे भोग योनि है, कार्य नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य योनि में हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और मनुष्य योनि का सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि कैसे भी हो एन केन प्राकेन भगवान के धाम लौटो, अपने नाम अपने घर वापस लौटो। यहाँ पर परदेशी हो, हमारा देश नहीं है ये, देश हमारा ऊपर है, उसको ही अपना समझ रखे हैं। जेल खाने हैं, बंद है जेल के अंदर हम लोग, और उसको हम लोग समझ रहे फर्स्ट क्लास जेल है हमारी, तो बड़े खुश हैं। एन केन प्राकेन, जैसे तैसे हर तरीके से, जैसे हर किसी भी तरीके से वापस जाओ अपने धाम, अपने घर जहाँ से आए हो। भगवान का पालन कर रहे हैं, हम अपने आप को भूले हुए। जेल खाना, ऊपर से चारों पता कितने, इस ब्रह्मांड को कितनी आवरणों से घेरा हुआ है, कितने आवरणों से घिरा हुआ है ब्रह्मांड, सात आवरण है, और पहला आवरण कई करोड़ मील का है, और दूसरा उसका 10 गुना, और तीसरा उसका 10 गुना, ऐसे 10-10 गुना करके 7 आवरण हैं। और पूरा अंधकार था जब भगवान यहाँ पर सबसे पहले जब एंटर हुए हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान कहते हैं मैं एंटर हो जाता हूँ गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो अंधकार था पूरा। फिर भगवान ने सूरज बनाया, ब्रह्म ज्योति से वो सूरज की, सूरज के अंदर से वो ब्रह्म ज्योति आ रही है, तो वो हमको प्रकाश देती है। और नीचे अधो लोग जो है 7 नीचे के, ये पृथ्वी लोक है, 6 ऊपर के लोक हैं स्वर्ग, और 7 नीचे के अधो लोग हैं, वो सब अंधकार से पूर्ण है, उसके अंदर कोई सूरज की रोशनी नहीं है, अंधकार में रहने से सांपों की मणि से जो प्रकाश होता है, या वैसे अंधकार में उनको रहने की आदत है। अब कितना देखो, जमीन है ना, जमीन के अंदर कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी, जितनी पृथ्वी में पूरे पूरी पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, उतनी कीटाणु छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं, वो 1 किलोमीटर दायरे में रहते हैं, उतने मनुष्य पूरी दुनिया में, उतने कीटाणु 1 किलोमीटर दायरे में रहते हैं, और पूछो दुनिया कितनी बड़ी है, कितने कीटाणु है, कितने चीटियां, ये वो कितना, ये समझ लो तुम कितने समुद्र के अंदर रहते हैं। तो हम लोग को मनुष्य योनि मिली है, इसको बड़ा भगवान का शुक्रिया अदा करो बार बार, और निकलने की कोशिश करो जितनी जल्दी हम लोग यहाँ से निकल जाएं, अगला जन्म ना लेना पड़े, अगला जन्म पता नहीं, हम कर रहे हैं ये कार्य जरूर, लेकिन जरूरी गारंटी नहीं है कि हमको मनुष्य जन्म मिलेगा,
क्योंकि हमारा प्रारब्ध पता नहीं होता हमने किस जन्म में कौन सा कर्म किया, उसका हमें कब फल मिलना ये हमें नहीं पता। ये वजह जो कर्म कर रहे हैं हम लोग भगवान के साथ जाने का, या थोड़ी बहुत जो भक्ति कर रहे हैं पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये जन्म हमें बहुत जन्मों के बाद कभी फिर मनुष्य योनि मिल गई और फिर पता नहीं कृष्ण भावना में आते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत रास्ते हैं आध्यात्मिक वे में भी बहुत रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। अंत में यहाँ पर आते हैं, अंत में तब पहुंचने के बाद किनारे पर आकर मत छोड़ो उसको, किनारे पर पहुंच चुके हो पार निकल जाओ वही बेस्ट है। ठीक है।